सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अमेज़ॉन पे की हेल्प से अपने मोबाइल को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अमेज़ॉन पे की हेल्प से मदद से आप कैसे अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। सो बहुत ही ईजी स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मोबाइल को रिचार्ज बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, अमेज़ॉन को सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमको अमेज़ॉन लिखना है। अमेज़ॉन लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो अमेज़ॉन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अपडेट का आ रहा है ऑप्शन। सो हमारा जो अमेज़ॉन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको ऑलरेडी अमेज़ॉन पे अकाउंट है तो उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो अमेज़ॉन का अकाउंट है वो ओपन हो जा चुका है। सो अब अभी हम क्या करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे 3 डॉट का, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 3 डॉट को आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हमको सिंपली इस पर प्रेस करना है। जैसे ही हम इस पर प्रेस करेंगे सो आपके सामने फिर से इतना सारा ऑप्शन आ जाएगा। देन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें जो है वो अमेज़ॉन पे का ये जो ऑप्शन है वो उस पर क्लिक कर देना है। अमेज़ॉन पे पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अमेज़ॉन पे पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाता है एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारा जो अभी करंट का जो अमेज़ॉन पे बैलेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है 839 रुपीज़, ठीक है। सो अभी हमको यहाँ पे रिचार्ज करना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड बैलेंस मोबाइल रिचार्ज DTH। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में ही अवेलेबल हो जाता है ये मोबाइल रिचार्ज का, है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल रिचार्ज का आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा रिचार्ज वाले सेक्शन में। आप यहाँ से DTH का बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, गैस का बिल पे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों को मोबाइल का रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक कर देते हैं हमको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। तो जो भी मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। सही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा कि ये जो सिम कार्ड है वो कहाँ का है और कौन सा सिम कार्ड है। तो ये जो सिम कार्ड है वो VI का है, जो कि वोडाफोन और आइडिया दोनों एक हो गया है एंड ये जो सिम कार्ड है ये बिहार एंड झारखंड का है। सो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितने का हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू प्लान पर क्लिक कर देते हैं अपने सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे कम का कितना है और सबसे ज़्यादा का कितना है, ओके। सो अभी हम यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टॉक टाइम 0, वैलिडिटी 28 डेज़ की है और इसमें डबल डेटा ऑफर है। गेट ट्रूली अनलिमिटेड लोकल नेशनल कॉल्स टू ऑल नेटवर्क प्लस 2 GB डेटा हर दिन मिलेगा, 100 SMS हर दिन और ये जो ऑफ़र है ये 28 दिन तक वैलिड है। तो हम करना तो चाहते हैं 299 वाला ही, लेकिन और देखते हैं और क्या ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो रहा है। सो एक आ रहा है ऑप्शन हमारे सामने ये 28 डेज़ का, जिसमें कि अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे, 2 GB डेटा मिलेंगे, 300 SMS मिलेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला भी कर सकते हैं। सो एक आपके सामने फिर एक ये ऑप्शन मिल जाएगा 399 का। जो भी मतलब आपके सामने ऑफ़र्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बड़े ही ईजीली तरीके से। आप बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं सबसे कम का ढूंढ रही हूँ जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहे, है ना। तो हम ये 299 वाला ही करते हैं। 299 वाले पर हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे स्वाइप टू पे पर हमको इस तरीके से स्वाइप करना है और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सो हमारा जो रिचार्ज है वो ऑलमोस्ट हो जा चुका है। कंटिन्यू शॉपिंग पर हम क्लिक कर देंगे और अभी हमको देखना होगा कि मेरा रिचार्ज हुआ है या नहीं। तो वापस 3 डॉट पर हमको क्लिक करना है और हम माई ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे। माई ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से प्रेस करके देख सकते हैं कि हमारा जो रिचार्ज है वो हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुल लिख रहा है, मतलब हमारा जो बिल है वो अमेज़ॉन पे से बिल हो चुका है। अमेज़ॉन पे से हमने बिल को पे कर दिया है और 299 का हमने रिचार्ज करा है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।